Abhi, we'll go through the description part of this raag. Okay? Raag Bhairav, Swar, Rishabh, Dhaivat, Komal, Anya Sab Shuddh Swar, Jati, Sampoon, Sampoon, Thaat, Bhairav, Vadi, Dhaivat, Samvadi, Rishabh, Samay, Din Ka Pehla Prahar, Aro, Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa, Avro, Sa Ni Dha Pa Ma Ga Re Sa. Raag Ka Mukhya Ang, Ga Ma Dha Dha Pa, Ga Ma Re Re Sa. Vishranti Sthan, Sa Re Pa Dha Sa Dha Pa Re. विशेष राग भैरव प्रभात बेला का प्रसिद्ध राग है. इसका वातावरण भक्ति रस युक्त गांभीर्य से भरा हुआ है. यह भैरव थाट का आश्रय राग है. इस राग में ऋषभ और धैवत स्वरों को आंदोलित करके लगाया जाता है, जैसे सा रे ग म रे रे सा. इसमें मध्यम से मींड द्वारा गंधार को स्पर्श करते हुए ऋषभ पर आंदोलन करते हुए रुकते हैं. इसी तरह ग म ध ध प में निषाद को स्पर्श करते हुए दैवत पर आंदोलन किया जाता है. इस राग में गंधार व निषाद का प्रमाण अवरोह में अल्प है. इसके आरोह में कभी कभी पंचम को लांघकर मध्यम से धैवत पर आते हैं, जैसे ग म ध ध प. इस राग में पंचम को अधिक बढ़ाकर गाने से राग रामकली का किंचित आभास होता है. इसी तरह मध्यम पर अधिक ठहराव राग जोगिया का आभास कराता है. भैरव के संप्रकृतिक राग कालिंगड़ा व रामकली हैं. करुण रस से भरपूर राग भैरव की प्रकृति गंभीर है. इस राग का विस्तार तीनों सप्तकों में किया जाता है. इस राग में ध्रुव पद ख्याल तराने आदि गाए जाते हैं. इस राग के और भी प्रकार प्रचलित हैं, यथा प्रभात भैरव, अहीर भैरव, शिवमत भैरव इत्यादि. इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने से राग का अपने को डेफिनेशन समझ में आती है कि हाउ इट इज. तो जैसे लिखा है कि राग में ऋषभ और धैवत कोमल और बाकी सब शुद्ध स्वर. ऋषभ क्या होता है? ऋषभ यानी रे, षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गंधार यानी ग, मध्यम यानी म, पंचम यानी पंच प, धैवत ध, धैवत ध, निषाद नि, निषाद नि, तो सारे गम पधनी को ऐसे बोला जाता है, उनके वो एक्चुअली नाम है. तो सारे गम पधनी सात सुर हैं. रे और ध कोमल लगते हैं,